सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमेशा सबसे पहले नई वीडियो देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम गाइज, ही इज अ स्टार्क पॉइंट, यू आर वाचिंग स्टार्क स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए रेलवे में नौकरी के लिए। दोस्तों रेलवे जो वैकेंसी निकाली थी 90,000 ग्रुप डी और लोको पायलट और टेक्नीसियन का जो पद था दोस्तों, उसमें कुल 90,000 सीट थी और आवेदन आ गए हैं दोस्तों 2.5 करोड़। यानी लास्ट डेट था जो 30 मार्च, दोस्तों 30 मार्च तक 2.5 करोड़ से ज़्यादा उम्मीदवारों ने कर दिया है आवेदन। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या भी है इससे कम। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या है और आगे इस न्यूज़ में। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए रेलवे एग्जाम से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय रेलवे में निकली 90,000 भर्तियों के लिए रेलवे को अभी तक 2.5 करोड़ से ज़्यादा आवेदन मिल चुके हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से कहीं ज़्यादा है। लिखा हुआ है कि 2016 में ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी 2,41,00,000 थी। नौकरी आवेदन के लिए अभी 5 दिन शेष है दोस्तों। इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो आवेदन की संख्या 3 करोड़ तक जा सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2018 है, यानी ये जो दोस्तों न्यूज़ आया था 5 दिन पहले आया था, लेकिन हालांकि अभी 3 करोड़ तक जा पहुंचा है। देखा जाए तो एक पद पर करीब 200 लोगों के आवेदन आ गए हैं दोस्तों, यानी जो परीक्षा का जो कट ऑफ होने वाला है दोस्तों काफ़ी हाई होगा। ये जो है आपका 200 लोगों पर एक सीट है। तो यहाँ पर रेलवे ने 20,000 अतिरिक्त नौकरियों की घोषणा की, यानी जो आप लोगों का 90,000 पद था दोस्तों उसको बढ़ाकर 1,10,000 कर दिया गया है। पीयूष गोयल जो रेल मंत्री है भारत का दोस्तों, ये ट्वीट किया है कि रेलवे में युवाओं के लिए 1,10,000 नौकरियां, दुनिया में सबसे बड़े भर्ती अभियानों में शामिल, यह अभियान अब और बड़ा हुआ। यानी जो 90,000 पद था दोस्तों और 20,000 पद इसमें जोड़ दिया गया है इतने आवेदन को देखकर। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप लोग को बता दें कि लोको पायलट में और टेक्नीशियन मिला के 26,502 सीट था और ग्रुप डी में 62,960 पदों पर भर्तियां होनी है। आपको बता दें दोस्तों कि लोको पायलट की 17,673 वैकेंसी है जबकि टेक्नीशियन की है 8,829। तो दोस्तों इसमें आरपीएफ और आरपीएसएफ के लिए अधिसूचना मई 2018 में प्रकाशित की जाएगी। अभी नहीं आया है दोस्तों कोई घोषणा, हालांकि बोला गया था कि 9,500 आरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन अभी कोई सूचना अभी नहीं आ पाई है। मई 2018 में उसको प्रकाशित होने की चांस है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही तक था दोस्तों। आप लोग होप समझ गए होंगे कि कितना कटअप होने वाला है आप लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है दोस्तों कटअप। काफ़ी अच्छा से तैयारी करो यार, क्योंकि 2.5 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं और सीट है दोस्तों 1,00,000। सोच सकते हो यार, 250 विद्यार्थी पर आप अकेले हो, कितना कटअप जा सकता है यार। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना इसी तरह का और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके प्रश्न पत्र प्रश्न जो आते हैं दोस्तों आप लोगों का, जीके प्रश्न का जनरल साइंस का, वो भी मैं तैयारी करवाता हूँ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहना और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना दोस्तों कि किस तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर दोस्तों जनरल साइंस से रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो मैं चाहूँगा अधिकतर फिजिक्स केमिस्ट्री पर ही क्वेश्चन डालूँ ताकि आप लोग अच्छा से कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए लास्ट तक धन्यवाद दोस्तों।